मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी साबूदाना। इस कटोरी से नाप कर लिया है। आप जब भी कोई रेसिपी बनाएं तो नाप कर ही लें। साबूदाना को हम दो बार साफ पानी से धो लेते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ा वाला साबूदाना लिया है। पानी को निकाल देते हैं। एक बार फिर से धो लेंगे। साबूदाने को बहुत मसल कर धोने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये टूट जाते हैं। तो ये मैंने दो बार साबूदाना को धो लिया है। तो मैंने यहाँ पर सारा पानी निकाल दिया है। अब साबूदाना के अंदर हम आधी कटोरी पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा पानी बचा लिया है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि हमें कितना पानी डालना है। आप देख सकते हैं साबूदाना के हल्के से ऊपर तक पानी है। जिस तरह से हम साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए साबूदाना भिगोकर रखते हैं, ठीक ऐसे ही भिगोकर रखना है। तो अब मैं इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर रख देती हूँ। 2 घंटे के बाद साबूदाना हमारा इस तरह से सूखा हो गया है और फूल कर काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो हम अभी इसे साइड में रख देते हैं। जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था, इसी कटोरी से 2 कटोरी नाप कर हम पानी रखेंगे गर्म होने के लिए। पानी सिर्फ 2 ही कटोरी लेना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं लेना है। पानी को ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ चुकी है तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक अभी से ही डाल देंगे तो साबूदाना के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम साबूदाना डाल लेते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। सीटी लगा देते हैं। प्रेशर कुकर को साइड में रख देंगे और अब रात भर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। रात भर में हमारा साबूदाना फूल कर अच्छे से नरम हो जाएगा। आप प्रेशर कुकर की जगह पर किसी कटोरे या फिर तपेली के अंदर भी गर्म पानी के अंदर साबूदाना को रात भर के लिए ढक कर भिगो कर रख सकते हैं। सुबह से प्रेशर कुकर को खोल कर देख लेते हैं। यहाँ पर साबूदाने बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और पानी भी इन्होंने सारा ही सोख लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये मेरे पास एक मशीन है। जब हम पूरन पूरी का पूरन बनाते हैं तो दाल पीसने के लिए ये मशीन काम में लेते हैं। तो आज मैं इसी के अंदर साबूदाना पीसने वाली हूँ। साबूदाना बहुत ही सॉफ्ट है तो इसके अंदर बड़ी ही आसानी से पिस जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है तो फिर आप मिक्सर का छोटा वाला जार लीजिए और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा साबूदाना पीस लीजिए, क्योंकि बहुत सारा साबूदाना एक साथ डालकर पीसते हैं तो उसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत होती है और हमें यहाँ पर इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। मैं यहाँ पर जीरा नहीं डाल रही हूँ। अगर आप जीरा डालना चाहते हैं तो जीरा भी डाल सकते हैं। आप देखेंगे साबूदाना पीसा हुआ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से मैं सारा साबूदाना पीस लूंगी। सारा साबूदाना अच्छे से पिस गया है। मैंने यहाँ पर इस तरह की प्लास्टिक की थैलियाँ ली है। इसमें ही हम इमरती बनाएंगे। मैंने इन्हें ऊपर से इस तरह से कैंची से काट लिया है। इसमें हम पिसा हुआ साबूदाना डाल लेते हैं। पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, 2 या 3 बार में पूरा बनाएंगे। ऊपर से रबर लगा लेते हैं इस तरह से।
इमरती मैं यहाँ पर इस तरह से प्लास्टिक शीट के ऊपर बना रही हूँ। इमरती बनाने के लिए इस थैली का हम एक किनारा इस तरह से कैंची से काट लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ही काटना है। इसे हल्के से दबा कर चेक कर लेते हैं, देखिए साबुदाना अच्छे से गिर रहा है। तो अब इमरती बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गोला बनाएंगे इस तरह से और किनारों से इमरती का शेप देना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इमरती नहीं बनानी है। मैं आपको एक और बनाकर दिखा रही हूँ। सबसे पहले इस तरह से एक छोटे आकार की चूड़ी जब बनाएंगे और अब किनारों से शेप देना शुरू करते हैं। यहाँ पर इसे कट कर देंगे। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। सारी इमरती हमें इसी तरह से बनानी है। आप देख सकते हैं शेप बहुत ही अच्छे से आया है। एक और बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें एक चूड़ी के आकार का गोला बनाना है और यहीं से शेप देना शुरू करना है। आखिर में इसे कट कर दें। तो आपने देखा साबूदाना की इमरती बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने सारी इमरती इस तरह से बना ली है। तो अब मैं इसे पंखे की हवा में ही सुखाने वाली हूँ। साबूदाना की इमरती बहुत ही अच्छे से सूख गई है। इसे एक दिन और एक रात के लिए पंखे की हवा में सुखा लिया है और अगले दिन 2 घंटे के लिए धूप में सुखा लिया है। अगर आप कोई भी पापड़ या कुल्लई लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो उसे 2 घंटे की धूप में ज़रूर सुखाएं। एक कटोरी साबूदाना से हमारी 50 इमरती बनकर तैयार हुई है। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है तो एक अभी तल कर देखते हैं। पलट लेते हैं, इमरती बहुत अच्छे से फूल गई है। ये देखिए आप, फूलकर साइज में इमरती काफी बड़ी हो गई है। इमरती का साइज तलने से पहले इतना छोटा था और तलने के बाद इतना बड़ा हो रहा है। ये बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनी है, आप आवाज़ से पता कर सकते हैं। मेरे चैनल पर पापड़ और कुल्ले की 25 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, लिंक साथ में दे रही हूँ, इन्हें भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।